कम से कम राहुल जी ने उनको ये मजबूर कर दिया कि उन्हें ये कहना पड़ा कि किसानों को एमएसपी जरूर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक एमएसपी को पूरी तरह से कानूनी तौर पर उसमें दर्ज नहीं कर दिया जाता, लिखित तौर पर किसानों को आश्वस्त नहीं कर दिया जाता, अनाज मंडी और दूसरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पुनः स्थापित किया जाए, ऐसी कई मांग है। लेकिन ये मांग साथियों मनवाने के लिए एक लंबी लड़ाई हमें लड़नी है, क्योंकि एक हठ धर्मिता वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, और हम गौरवशाली लोग हैं कि हमें राहुल जी जैसा नेतृत्व मिला है जो इन सरकारों के सामने ना झुके हैं और ना झुकेंगे, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, हर मुद्दे पर राहुल जी हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी के नेतृत्व में हम सब लोग सड़कों पर। और मैं पिछले इस 7-8 महीने के इस कार्यकाल में जो मैंने यूथ कांग्रेस का आप लोगों के आंदोलन देखे, आप तारीफ के काबिल हैं। मैं उन साथियों को भी जानता हूं जिन्होंने कमर पे डंडे खाए हैं, मुकदमे खाए हैं, और निडरता के साथ सुबह बुलाया, सुबह शाम को बुलाया, शाम को आपने कोई प्रदर्शन, कोई धरना, कोई कार्यक्रम या कोई ऐसी आम जनमानस की आवाज जो हमने उठानी है उसको आपने नहीं छोड़ा। तो यूथ कांग्रेस इन तमाम जाबाज सिपाहियों को मैं बधाई देता हूँ। मेरा खुद का राजनीतिक जीवन यूथ कांग्रेस और एनएसवाई से रहा है, तो मुझे रणवीर जी ने आज जो इस चीज के लिए बताया, तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। आपके प्रभारी महोदय, आप तमाम वो साथी जो नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल रहे, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो भगवान वाल्मीकि जयंती है, और आज भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव की मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम अपने नेता को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन हम सरदार पटेल जी को भी याद कर रहे हैं, लोह पुरुष उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, उस महान नेतृत्व को याद कर रहे हैं, उन नेताओं को हमारे श्रद्धा सुमन और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में हम नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। श्रीलाल भैया।